खड़वार आदिवासी एकता संघ झारखंड का प्रथम स्थापना दिवस गुमला जिला अंतर्गत बेलगांव ग्राम के खेल मैदान में खड़वार आदिवासी एकता संघ एवं खड़वार लोक सेवक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। खड़वार आदिवासी एकता संघ झारखंड के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, पूर्व विधायक मनिका विधानसभा लातेहार के हरे कृष्णा सिंह खड़वार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सर्वप्रथम अतिथियों का पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार ढोल नगाड़ा एवं मर्दाना झूमर नाद से भव्य स्वागत भी किया गया। अतिथियों के द्वारा अपने पूर्वज नीलांबर पीताम्बर के प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। सभी अतिथियों को गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर झारखंड के सभी जिलों से आए खड़वार समाज के सभी महिलाएं, पुरुषों एवं नौजवानों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री सुमन ने कहा कि समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संगठित होकर समाज को विकास एवं शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने में एक दूसरे से जुड़कर खड़वार समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की जरूरत है। आदिवासी एकता संघ झारखंड का ये प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज गुमला में हम लोग आए थे। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने समाज के लोगों को संगठित करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, हमारे समाज के लोग संगठित हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का था कि अपने समाज के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके हर क्षेत्र में उसका विकास हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। आज हमारे मुख्य अतिथि शंभू कुमार सुमन जी, बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, वह है। और हम लोगों को मुख्य अतिथि रूप में जो मैसेज दिए हैं उसको हम लोग उसको पालन करेंगे। और जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन के लिए ही ये बैठक की गई थी। वार्षिक एक साल हम लोगों का पूरा होने जा रहा था कि पिछले 7 और 8 जनवरी 2023 को ये बना था और 7 जनवरी 2021 एक साल हम लोगों का पूरा हो रहा था। तो पहला तो उद्देश्य हम लोगों का संगठन है, दूसरा हम लोगों का शराब भी है कि शराब पर हमारे समाज में कुरीति है, उसको कैसे बचाया जाए अपने लोगों को। तीसरा शिक्षा भी हमारा उद्देश्य रहा है, शिक्षा हमारे समाज का कम से कम स्नातक तक हो। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट रहता है कि हम पूरे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ हमारा खरवार है उसको हम लोग एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।